नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने एक दिन का वेतन इनके धनराशि सहयोगार्थ हेतु प्रदान की जा रही है, जो लगभग 10 लाख रुपए है। इनका इलाज इस समय कैलाश अस्पताल में चल रहा है। ये मदद उस बेटी के लिए जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ये मदद उस बेटी के लिए जो नशे में धुत कार सवारों का शिकार हो गई थी। ये मदद उस बेटी के लिए जिसका गरीब परिवार बस अपनी बेटी के जल्द ठीक होने की राह देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां 31 दिसंबर की रात नशे में धुत कार सवार लड़कों ने 3 छात्राओं को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में स्वीटी नाम की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। स्वीटी के इलाज में काफी खर्चा आ रहा है, जबकि परिवार काफी गरीब है और परिवार को इस बात की टेंशन हो गई कि आखिर बेटी के इलाज के लिए इतना पैसा कहां से आएगा। हालांकि छात्रा के दोस्तों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और पैसा जुटाने में लग गए। मामला एक छात्रा की जिंदगी से जुड़ा था, जो खाकी भी मदद के लिए आ खड़ी हुई, बल्कि स्वीटी के इलाज के लिए पुलिस ने भी 10 लाख रुपए मदद के तौर पर देने का ऐलान भी कर डाला। गजब की बात तो ये है कि इस मदद से सभी पुलिसकर्मी भागीदार बने हैं, क्योंकि सभी पुलिसकर्मियों ने एक दिन का वेतन इस बेटी के नाम कर दिया। दिनांक 31/12/22 को थाना बीटा 2 क्षेत्र में एक छात्रा स्वीटी कुमारी, इनका एक्सीडेंट एक अज्ञात वाहन द्वारा कर दिया गया था। जो छात्रा स्वीटी है, इनका इलाज ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है। इनके इलाज में मदद हेतु पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने एक दिन का वेतन इनके धनराशि सहयोगार्थ हेतु प्रदान की जा रही है, जो लगभग 10 लाख रुपए है। इनका इलाज इस समय कैलाश अस्पताल में चल रहा है और इलाज में ये धनराशि उपयोग में लाए जाने हेतु नोएडा पुलिस द्वारा इनको सहयोग में प्रदान की जा रही है। स्वीटी की मदद के लिए सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि छात्रा जल्द से जल्द ठीक हो सके और अपनी आगे की पढ़ाई को भी पूरा कर सके। वहीं डॉक्टरों की मेहनत भी रंग ला रही है और छात्रा की सेहत में लगातार सुधार भी हो रहा है। पुलिस और छात्रों की मदद से परिवार को एक उम्मीद भी बंध गई कि उनकी बेटी के इलाज में अब पैसों की दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उनकी बेटी की मदद के लिए लोगों की लिस्ट अब बढ़ती ही जा रही है और उम्मीद है कि यूपी सरकार भी एक बेटी की मदद के लिए कोई कदम तो जरूर उठाएगी। फिलहाल के इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।